अपने पूरे परिवार के साथ देखिए पैडमैन की कहानी, डाउनलोड एंड सब्सक्राइब टू द Z5 ऐप राइट नाउ। भाभी जी घर पर हैं। भूति जी को जब हो गया, आप जो हमको वो एक ठो आम दिए रहे ना, कोई तो आया और वो आम लेकर चला गया। तुम दोनों जाओ और कहीं से भी वो आम ढूंढ के लाओ, नहीं तो ये दोनों जान से जाएंगे, समझा? नहीं भाभी जी, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। अरे तो भाभी जी को नचाने की कौन बात कर रहा है? तो फिर किसको नचाने की बात कर? नाचना तो तुझे पड़ेगा। अनीता जी हम आम खाते हैं। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। इस बार तो मैं विभू के साथ ही डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगी। तिवारी जी आप देखिएगा, इस बार हम जीतेंगे। अभी जब इतना अच्छा योगा करती हैं, आप कुछ क्लासेस शुरू कर रही हैं? हमसे योगा सीखेगा कौन? मैं सीखूंगा आपसे। ई पैर को ऊपर के ऊपर डालिए। ओके भाभी जी। वो ही नहीं रहा भाभी जी। कहाँ है? अटक गया। कहाँ अटक गया है? मामला अटक गया भाभी जी। हाय दिया। दर्द हो रहा है क्या आपको? एक बात बताइए कि ये जो आप जगह जगह से मुझे पंक्चर कर रही हैं, इससे मेरी अकड़ी हुई कमर को क्या फायदा होगा? आपको पता है ये उपाय ना हमको अम्मा जी बताई हैं, और हमारे अम्मा जी के ना सारे उपाय बहुत ही अचूक होते हैं। तो भाभी जी अब आप देखेंगी नृत्य की वो कला, जिसे देखते ही आप अंगूठा उंगली सब दांतों तले दबा देंगे। यो हमको लगता है अम्मा जी का कॉल होगा, स्पीकर पर डाल देते हैं। भाभी जी वो स्पीकर हो गए। सही पकड़े हैं। हेलो अम्मा जी। बौरिया ये बताओ, जो काढ़ा हम तुमको बनाने बोले थे वो बना तो नहीं ली ना? हाँ अम्मा जी, वो काढ़ा बना भी दिए और पिला भी दिए भरभूती जी को। आप हमको बोली थी ना उनमें एकदम शुद्ध ताजा गधा मूत्र डालने के लिए, वो हम डाल दिए थे। अरे अरे ओह बहुरिया, का है तनी सा गलती हो गया है बिटिया। का गड़बड़ हो गया? अरे पंडित राम फल का फोन आया रहा, कहे कि उन्हीं से पूछ करके हम काढ़ा बताए रहे ना, तो वो बोले हैं कि वो भुला गए थे, गलती से गधा मूत्र बोल दिए, जबकि उमा जो है गौ मूत्र डालना था। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें योगा करने की कैसे सूझी? कुछ बातें तुम्हारे समझ में ना आए तो ही बेहतर। मतलब? अरे यार योगा से आदमी हेल्दी होता है, फिट रहता है। व्हाट यू मीन बाय मत? हाँ, और जब मैं यही बात कहती थी तो तुम्हें समझ में नहीं आती थी, तुमने तो कभी मेरे साथ योगा नहीं किया। यार वहाँ इंस्पिरेशन अलग थी यार। एक्सक्यूज मी, कौन है तुम्हारी इंस्पिरेशन? सक्सेना जी, टिल्लू, उनकी बातों में बह गया, सारी गड़बड़ हो गई। बेबी आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, अब मैं तुम्हारे साथ डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब तुम्हारी कमर ज्यादा जरूरी है ना। चाहे कोई मुझे किरा तो कौन मस्ता रहा है, तो देख क्या पता नहीं कौन है। हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें, चाहे कोई मुझे जंगली कहे।
बताएगा बाहर क्या हो रहा है यार? डांस के नाम पे अत्याचार। तो न समझो मैं हूँ आखिर एक इंसान, मेरे सीने। हेलो भाभी। हम अपने पूरे होशो हवस में। हवस? हवस थोड़ी लिखो है, हवस के पुजारी हमेशा हवस दिखाई देते हैं। होशो हवास में। होशो मैं इंप्रूव करूंगा, मैं बहुत अच्छा डांसर बन के दिखाऊंगा और मैं आपका पार्टनर रहूंगा, आपका पार्टनर बन के दिखाऊंगा भाभी जी। यो भैया कैसा लग रहा है अब आपको? कैसा लग रहा है? अबे कैसा लगेगा, ऐसा लग रहा है जैसे क्या कर लूं, गोली मार लूं अपने आप को यार। एक मिनट, ये लो। ये क्या है बे? ये गोली है, मार लीजिए। ओ गॉड, अबे ये गोली नहीं बे, बंदूक की गोली, बंदूक की गोली। अब बस ऐसा लग रहा है कि अपने आप को मार के दर्द के साथ अपने आप को भी खत्म कर लूं यार, वंस एंड फॉर ऑल। आई लाइक इट। अजीब इंसान हो सेठ जी, ये भी ना सोचा अगर तुम्हें कुछ हो गया तो भाभी माँ का क्या होगा, वो तो जान दे देंगी। काश कि ऐसा हो जाए, जो मिलन धरती पे ना हो पाया वो आसमान पर हो जाए। मन में गंदी गंदी बातें सोचना बंद कीजिए भैया आप। मैं गंदी गंदी बातें नहीं सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या भाभी जी को फर्क पड़ेगा मेरे जाने से, क्या उनकी नजरों में मेरी वो कीमत है जो मैं समझता हूँ। सेठ जी ऐसा है, इस बारे में मुंह ना खुलवाओ तो अच्छा है, वरना दर्द बढ़ जाएगा तुम्हारा। अच्छा सुनिए भैया, ऐसा है भाभी माँ ने आपको बुलाया है इलाज करने के लिए, नानी माँ ने एक नया नुस्खा दिया है उनको, उससे बहुत जबरदस्त इलाज करेंगे आपका वो। नहीं, नहीं, नो, नेवर, नेवर। क्या नहीं? मुझे देखो, मुझे लग रहा है कि मैं बेटर हो रहा हूँ पहले से, और मेरे हाथ पर खुल रहे हैं और मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरी अकड़न जो है थोड़ी कम हो रही है। प्लीज शरम आनी चाहिए सेठ जी, तुम्हें शरम आनी चाहिए, वो बेचारी औरत पछतावे की आग में जल रही है और अपनी आंखों में गहरा काजल लगा के बैठी है आपके लिए, और आप होगी नखरी दिखा रहे हो। आंखों में गहरा काजल डाल के मेरे लिए, मैं कुछ समझा नहीं भाई। अरे हाँ भैया, यही तो वो नया नुस्खा है जो नानी माँ ने बताया भाभी माँ को। भाभी माँ अपनी आंखों में काजल लगा के आपकी आंखों में अपनी आंखें डाल के देखेंगी और आपको ठीक करेंगी, समझे आप? वाह, क्या कहना चाह रहे हैं आप, मैं समझी नहीं। बात यह है कि अब उसका तलाक होने वाला है, उसे अभी भी रुपयों की जरूरत है। तो भाभी जी, प्रेम ने ना उसके साथ सेटिंग कर ली है। अब अगर मैं स्टेज पर आपका जोड़ीदार बनकर खड़ा भी रहा, मतलब नाचा भी नहीं, सिर्फ आंखें भी मटकाता रहा ना, तो भी आपको 10 में से 10 अंक मिलेंगे और आप जीत भी जाएंगी। आते जाते गली में मेरो दिल धड़के मेरे पीछे पड़े आज दस। अरे दादा, ये ले ले, पैसा रख ले पूरे। ओ भैया, अब आप यहाँ पे आराम से लेटिए, हम लोग चलते हैं। तो तुम कहाँ जा रहे हो लौंडो? ओ, अब जो होना है ना वो आपके अकेले के साथ ही होना है। हाँ हाँ भाभी जी, भाभी ये दोनों लड़के क्या बोल के चले गए? हाँ हम आपको बताते हैं ना, ई होना है। इस चाकू से आप क्या काट के खिलाने वाली हैं? ये चाकू है और आपके अंदर घुसाने के लिए है। Are you really serious? हाँ भरभूति जी, आज हम आपको फर्निश कर देंगे। अभी जी फर्निश नहीं, वो फिनिश होता है। सही पकड़े हैं। खत्री पर्वत को देवी के मंत्र से अभिमंत्रित कर पर्वत पर कंस का प्रवेश निषेध कर देते हैं कान्हा। आज मैं इस खत्री पर्वत को ही नष्ट कर दूंगा, न रहेगा पर्वत और ना बचेगा तेरी योग माया का धाम।
तब खत्री पर्वत को उखाड़ देवी योगमाया के साथ साथ वृंदावन वासियों के जीवन का संकट बन जाता है कंस। ने इसे रेलवे स्टेशन से पकड़ा है, ये कहीं भाग जाने के चक्कर में था। ये इतने दिन हमारे बीच में रहकर हमारे घर का सदस्य बनने की एक्टिंग की और मौका मिलते ही चोरी कर ली। आपको बैजू के पास से कुछ सामान बरामद हुआ है? मैडम, इसके पास से एक बैग बरामद हुआ है। अगर घर से पैसे और हार चोरी हुआ है तो वो इसी में होना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, अब हम चलते हैं। चलो अब दूल्हा दुल्हन फेरों के लिए खड़े हो जाइए। आप फेरे लेना शुरू कीजिए। चोरी चल रहा है, क्या हो गया? तितली, राज, तुम दोनों माँ बेटी ना, यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। घड़ी ही पहलवान बढ़ रही सर। चल अब बढ़ बढ़।